देश में कोरोना संक्रमण के मामले लगातार रिकॉर्ड तोड़ रफ्तार से बढ़ रहे हैं और दूसरी लहर ज्यादा खतरनाक साबित हो रही है। ऐसे में संक्रमण की रफ्तार को कम करने के लिए सबसे जरूरी है टेस्टिंग। टेस्टिंग के जरिए ही बढ़ते मामलों को नियंत्रित किया जा सकता है। आरटीपीसीआर टेस्ट की धीमी गति को देखते हुए अब टेस्टिंग को तेज और सस्ता बनाने वाला एक नया तरीका खोजा गया है। सेंटर फॉर सेल्युलर एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी ने ड्राई स्वैब जांच का नया तरीका लाया है। सीसीएमबी के डायरेक्टर राकेश मिश्रा ने कोविड 19 की टेस्टिंग के लिए सैंपल लेने के इस नए तरीके के बारे में बताया। ड्राई स्वैब टेस्ट पहले से इस्तेमाल हो रही टेक्निक्स के मुकाबले सस्ती, सुरक्षित, तेज और ज्यादा सही नतीजे देने वाली है। उन्होंने दावा किया है कि इस टेक्निक की मदद से टेस्ट करने की स्पीड में 300% की बढ़ोतरी होने के चांस हैं। मौजूदा स्वैब टेस्टिंग में नीसोफरेंजियल स्वैब का इस्तेमाल होता है। इसमें सैंपल लेकर उसे किसी ट्यूब या फिर कंटेनर में रख दिया जाता है जिसमें गुलाबी रंग का तरल पदार्थ होता है जिसे वायरल ट्रांसपोर्ट मीडियम कहते हैं और फिर इसे ही आगे टेस्टिंग के लिए लैब भेजा जाता है। वहीं अब इस नई टेक्निक के जरिए स्वैब को सूखे कंटेनर में रखा जाएगा। इससे ये मौजूदा जांच के लिए 30-40% सस्ता होगा। मिश्रा ने बताया कि इससे वायरल ट्रांसपोर्ट मीडियम के पैसे बचेंगे जो कि अपने आप में काफी महंगा आता है और इसलिए ये तरीका बेहद सरल और एक्यूरेसी वाला है जितना कि स्टैंडर्ड आरटीपीसीआर वाला मेथड होता है। बहरहाल हमारी इस खबर पर क्या है आपकी प्रतिक्रिया हमें कमेंट करके जरूर बताएं। बाकी देश और दुनिया से जुड़ी सभी खबरों के लिए देखते रहें TV9 भारतवर्ष। हमने की गलती फिर एक बार, कोरोना ने किया दोबारा प्रहार। मास्क, 2 गज दूरी, करें अपनी सुरक्षा पूरी। कोरोना टीका हम सबको लगाना है, मिलकर साथ समझदारी से कोरोना को हराना है।